पूछो क्या क्या चीज पूछना चाहते हो? मेरा मतलब नहीं रुको, अच्छा लगना चाहिए। पूछी तो ऐसे पूछ। अच्छा अच्छा सर, गेटअप से बात करो, यूट्यूब में छोड़ेंगे ना। सबसे पहले सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे असम की ओर से सबको एक साथ इशू सहाय। इशू सहाय, इसको क्या गेम बोलते हैं हम भी नहीं जानते हैं। हेलो एवरीवन, सबों को इशू सहाय। और आज है 5 तारीख और आज हम लोग का चर्च में GTC यानी कि गोस्टर थियोलॉजिकल कॉलेज से हम लोग का 2 जन स्टूडेंट और एक पादरी या तो प्रोफेसर, उनके द्वारा आज हम लोग का चर्च सर्विस होगी। चलिए हम लोग चलते हैं चर्च की ओर। पूछो क्या क्या चीज पूछना चाहते हो? मेरा मतलब कुछ नहीं, रुको, अच्छा लगना चाहिए। इस समय हम लोग के बीच में 2 विद्यार्थी हैं जो कि गोस्टर्नोलॉजिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इनका नाम है फिलिप डुंगडुंग एंड सावन टूटी। तो चलिए पूछते हैं कारीमाटी में इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो अपने जुबानी में ये सुनाएंगे। सबसे पहले सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे असम की ओर से सबको एक साथ इशू सहाय। इशू सहाय, मैं यही आके अनुभव हुआ अच्छा असमी में हम लोग सुनना चाहते हैं। मोर एटवे अनुभव होल जे अखमर परा या अखमर परा यार बहुत डिफरेंस আছে। অখমত দেখিলে আমি সা বাগান বিলাক আমি দেখি পাও, কিন্তু ইয়াত আহি কিনে মই ডাঙৰ ডাঙৰ গিৰ্জাঘৰ বিলাক চাই পাইছো, গছ বিলাক আৰু আম গছ বিলাক দেখি পাইছো। ৰাতিপুৱা অলপ ভিজিটৰ কাৰণে ইফালে ওলাই গৈছিলোঁ, তো ইমান সৰু সৰু আম গছ আছে, তাত কিন্তু আম ফল দিয়ে, তো শুনি ভাল লাগিলে। গোটেই ইয়াত খেতি বাৰী আছে, খেতি কৰে মানুহবিলাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ড আছে, তাৰপাছতে মানুহবিলাকো ভাল আছে, আমাৰ লগত মিলে, আমিও ইয়াৰে হয়, ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে তাতে বসবাস কৰিছোঁ। তো আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ গীৰ্জাত উপস্থিত হৈ। ডাঙৰ গীৰ্জা, বহুত মানুহ ভি আছিলে, কংগ্ৰেগেশ্যন বহুত। তো আপোনালোকৰ পৰা আৰু অসমৰ এইটোৱে মই ডিফাৰেঞ্চ চাই পালোঁ। আমাৰ তাত ভজন নহয়, যিটো ভজন গীত বুলি কয়, আৰু CNIৰ পৰা GL বহুত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে। ঠিকে ঠিকে, তাৰপিছত ভজন গীতবিলাক মই শিকিলোঁ ইয়াত, বহুতখিনি জানিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত সহভাগিতা হ'লোঁ।
अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ मेरा यही अनुभव रहा कि असम में हरा भरा है और यहाँ आके कुछ जगह देखा ऊंचा नीचा गढ़ा टिप्पा दिखाई दे रहा है। असम में जाने से कुछ प्लेन एरिया दिखाई देता है और हरा भरा, और असम में इतना बड़ा बड़ा पेड़ नहीं है लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, खेत सब दिखाई दे रहा है, सड़क रास्ता ये सब, राजनीति व्यवस्था थोड़ा अच्छा है मुझे ऐसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, अच्छा और एक भाई है हम लोग का फिलिप डोंगडोंग, अभी उनका खड़िया भाषा में हम लोग सुनेंगे कि उनको करी मट्टी में कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए आपका शुरू होता है समय। धन्यवाद। और इस समय मैं अपना अनुभव रहा उसको मैं खड़िया से शेयर करने का प्रयास करूंगा। लौवा भाई बहन करी मट्टी मंडली, भाई बहन की सब धन्यवाद, जब से उसके देव से लिए बहुत सुंदर स्वागत कराए सी की, और वह माहौल एक भाई बहन और माहौल कोई की वह सुबते धन्यवाद, और वह व्यवस्था मंडली व्यवस्था बहुत सुंदर रही, भाई बहन की बहुत सुंदर रही की, वह अधिकारी की बहुत सुंदर रही की, सुबते बहुत सुंदर चलाए थी की, और एलिडा होम विजिट जो सीखोले होम विजिट से जो वो बोली के लिए रो लेबू किया सॉरी कायम के लिए, वो शिक्षा व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था कितनी को नया प्रयास कराए वाले काफ़ी सुंदर रही, वह संचार व्यवस्था जो बहुत अच्छा है, यात्रा व्यवस्था जो सुंदर रही, बस में यात्रा सुविधा है, ट्रेन यात्रा सुविधा है, खेती बाड़ी बहुत अच्छा सुविधा है, नवा गाँव खेती कोंगडोंग का सिमडेगा जिला रांची बोलता है वहाँ सब्जी के चलता सब्जी बहुत फायदा की, और खेतिहार के बहुत मेहनत आई की अपन जीविका स्तर से ऊँचा कराने प्रयास करते थे, उना अपन वाणी तो विराम करती, धन्यवाद। हम तो मड़ुआ रोटी भी नहीं देखे थे, पहले बार मड़ुआ खेत देखे, मड़ुआ रोटी भी खाई, ये साल है मिलिट्री इंडिया साल है, मतलब नेशनल बहुत हेल्दी है मड़ुआ, नेशनल लेवल में हम लोग मिलिट्री इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं ये साल, और उसको स्पॉन्सर ओडिशा ही कर रहा है मिलेट, मड़वा रोटी का अभी सब बन रहा है, सिंगड़ा सब बन रहा है, फूल रोटी खा लिया, फूल रोटी ये छिलका मैदा पापड़ बन रहा है, छिलका रोटी बन रहा है, फिर मैंने मड़वा चाय भी बन रहा है उस टाइप का, हम सोच रहे थे फर्स्ट में वो प्लेट है बोल के ना प्लेट का कलर ऐसा है टूट गया प्लेट का कलर, सोच आम तो मिलता है, वो फल सब मिलता है, कुछ कुछ फल सब नहीं मिलता है, कुछ कुछ मिलता है, आम को आम ही कहते हैं, आम ही कहते सदरी में अम्बा के, अच्छा अच्छा उधर का सदरी हम लोग से मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है लेकिन ज्यादातर लोग चाय बगान में बस गए ना, तो हाँ। चाय बगान का सदरी भूसा थोड़ा अलग हो गए, अच्छी जच्ची बात करते है, मतलब कम से कम 8-10 ऐसा सदरी भाषा है उधर, अच्छा कैसा नहा कारको महा कारको महिस, अच्छा एक ही वर्ड है रौरकेला में अलग हो जाएगा, सुंदरगढ़ और रौरकेला में अलग अलग हो जाता है, ऑफिशियली भुवनेश्वर बुक वाला है उधर का उड़िया, हम लोग का इधर का उड़िया सादरी हिंदी सब मिक्स वाला उड़िया आता है, मिक्स हो गया है अभी, हिंदी भी वैसे ही है सादरी मिक्स हाँ इधर थोड़ा हम लोग का हिंदी तो ये पूरा ओरिजिनल नहीं होता है, थोड़ा मिक्स होता है, तो आप लोग भी बताइए आज का सर्विस कैसा रहा,
मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, हम लोग असम से और सिमडेगा से अर्थात विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, तो आज हम आप लोग के बीच में आए यहाँ सर्विस किए, तो हमारे सर्विस आप लोग कैसा रहा पहले से आज की सर, और इसमें हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या कमियाँ रही? बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सब दिन एक तो सुनते रहते हैं, उससे अगर कुछ अलग सुनने को मिलता है तो ऑटोमेटिक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है टाइप का, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। आज का उपदेश भी बहुत अच्छा था और आराधना भी बहुत अच्छा था। इतना दिन से हम लोग गिरजा करते थे तो हमेशा बाजा का प्रॉब्लम होता था, हमेशा साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम होता था, लेकिन आज आप लोगों का दोनों का ही आवाज़ भी बहुत क्लियर था और अच्छा था, और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मतलब आप लोग का गाना, अगुवाई, वचन, सब कुछ ही बहुत ही अच्छा रहा और अच्छा लगा। आप लोग आए, हम लोग को समय दिए, हम लोग का यहाँ चर्च सर्विस दिए, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। परमेश्वर अरे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा। मेहनत के साथ, बहुत धीराज के साथ बैठे सुने, बहुत सन्नाटा था, हर कोई कारीमाटी लोकल टीम है एक, और हम लोग का GTC यानी कि थियोलॉजिकल कॉलेज के स्टूडेंट सब हैं, और आज प्रीति भोज हो रहा है, इसके बाद खान पान भी बन रहा है, तो ये प्रेम से खेल रहे हैं, ये ना कि कोई कॉप है या तो खांसी है। क्या गेम बोलते हैं हम भी नहीं जानते हैं। पादरी सर बता रहे हैं कैसे खेलना है।